हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर लेजिस्लेशन पार्ट ऑफ एमटी एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज संडे स्पेशल वीडियो सीरीज की पांचवी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव इनिशिएट या इग्नाइट करने के सिस्टम यानी प्रणाली के बारे में। एक्सप्लोसिव को इनिशिएट या इग्नाइट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, पहला है डिटोनेटर सिस्टम, दूसरा है फ्यूज सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज सिस्टम की। फ्यूज सिस्टम में एक्सप्लोसिव या तो सेफ्टी फ्यूज के थ्रू इग्नाइट किया जाता है या फिर डिटोनेटिंग कॉर्ड के थ्रू। तो चलिए अभी बात करते हैं सेफ्टी फ्यूज की। सेफ्टी फ्यूज एक रस्सी या डोरी की तरह दिखती है। इसकी भीतरी भाग या कोर में गन पाउडर किसी टेप या कपड़ा का धागा में लपेटा हुआ रहता है और इसके ऊपर का लेयर में वाटरप्रूफ कोटिंग्स होता है। सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड 120 टू 125 सेकेंड पर मीटर होता है। इसका मतलब है कि सेफ्टी फ्यूज 1 मीटर जलने में 120 से 125 सेकेंड लगाती है। सेफ्टी फ्यूज की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो ICI कंपनी बनाती है। डबल बुल ब्रांड, ये सूखे कंडीशंस यानी ड्राई कंडीशंस के लिए यूज में लाया जाता है। ब्लू सम्प और डैम्प कंडीशंस के लिए यूज में लाया जाता है। OCPS और ब्लू प्लास्टिक, भींगा यानी वेट कंडीशंस के लिए यूज में लाया जाता है। OCPS का फुल फॉर्म है ऑरेंज कलर प्लास्टिक सीथेड। अब बात करते हैं डेटोनेटिंग कॉर्ड्स के बारे में। डेटोनेटिंग कॉर्ड भी रस्सी की तरह दिखता है जो 5 mm डायमीटर का होता है और ये मजबूत प्लास्टिक का बना होता है। इसके अंदर PETN या TNT एक्सप्लोसिव 11 ग्राम यानी 11 ग्राम्स पर मीटर भरा होता है या 100, 200 और 300 मीटर के रोल के वैरायटीज में आता है। इसके जलने का स्पीड 7000 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है। जनरली इसका यूज ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग में होता है। ये दोनों सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटिंग कॉर्ड अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं डेटोनेटर सिस्टम्स की। तो डेटोनेटर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटोनेटर होता क्या है। डेटोनेटर हाई एक्सप्लोसिव्स को एक्सप्लोड करने का एक मीडियम होता है। यह एक एल्यूमिनियम या कॉपर ट्यूब होता है जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई एक्सप्लोसिव होता है। अब बात करते हैं डेटोनेटर के मैकेनिज्म्स की कि कैसे एक्सप्लोसिव डेटोनेटर के थ्रू एक्सप्लोड हो जाता है। तो जैसा आपको मालूम ही होगा कि डेटोनेटर को एक एक्सप्लोसिव कार्टिज में डालते हैं, ऐसे एक्सप्लोसिव कार्टिज को प्राइमिंग कार्टिज कहते हैं। तो जब डेटोनेटर को किसी फ्यूज या इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू फायर्ड यानी इग्नाइट किया जाता है तब एक हाई वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन प्रोड्यूस होती है जो कि एक स्ट्रांग शटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिससे डेटोनेटर के चारों ओर मौजूद हाई एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हो जाता है, फूट जाता है। अब बात करते हैं डेटोनेटर के टाइप्स के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम चार्ज डेटोनेटर के दो टाइप्स होते हैं, फल्मिनेट बेस्ड डेटोनेटर और लीड अजाइड बेस्ड डेटोनेटर। फल्मिनेट बेस्ड डेटोनेटर में 80% यानी 80% मरकरी फल्मिनेट और 20% पोटासियम क्लोरेट होता है। फल्मिनेट बेस्ड डेटोनेटर नमी और ह्यूमिड कंडीशंस में खराब हो सकते हैं और ये बहुत वीक इनिशिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसी कारण इनका प्रचलन अब नहीं के बराबर होता है। आजकल लीड एजाइड बेस्ड डेटोनेटर का ही यूज होता है। लीड एजाइड डेटोनेटर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन डेटोनेटर जो सेफ्टी फ्यूज के थ्रू इग्नाइट किया जाता है, दूसरा है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इग्नाइट किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल डेटोनेटर भी होते हैं जैसे नॉनेल डेटोनेटिंग रिले एटसेट्रा, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन डेटोनेटर्स की। यह एक 6 mm डायमीटर का एल्यूमिनियम ट्यूब होता है। इसकी लेंथ 32 mm और थिकनेस 0.3 mm होती है। इसका 1/3 पोर्शन बेस चार्ज और प्राइम चार्ज से भरा रहता है। इसके बॉटम पार्ट में बेस चार्ज रहता है और बेस चार्ज के जस्ट ऊपर प्राइम चार्ज रहता है। इस तरह के डेटोनेटर्स के टॉप पोर्शन में लकड़ी का बुरादा यानी सॉडस्ट भरा रहता है। इस टाइप के डेटोनेटर को यूज करते समय इसमें एक छोटा सा छेद करके इसके सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा निकाल लिया जाता है
और इसमें सेफ्टी फ्यूज डाल दिया जाता है। इस डेटोनेटर के बेस चार्ज के लिए PETN का यूज होता है और प्राइम चार्ज के लिए ASA का यूज होता है। ASA इज अ मिक्सचर ऑफ लीड एजाइड, लीड स्टाइफनेट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स की। ये एक कॉपर या एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है जिसका डायमीटर 6 mm, थिकनेस 0.3 mm और लेंथ वेरी कर सकता है 32 mm टू 53 mm। इसके बॉटम पोर्शन में बेस चार्ज और प्राइम चार्ज होते हैं। बेस चार्ज के लिए एज यूजुअल PETN का यूज होता है और प्राइम चार्ज के लिए ASA। प्राइम चार्ज के ऊपर एक फ्यूजेट होता है जिसमें एक इनफ्लेमेबल फ्लैशिंग मिक्सचर होता है। ये फ्लैशिंग मिक्सचर LMNR, पोटासियम क्लोरेट, चारकोल और क्लाइडन कॉटन का मिक्सचर होता है। LMNR मीन्स लीड मोनो नाइट्रो रिसोर्सिनल। फ्यूज हेड दो कॉपर वायर या टिन से कोटेड किया हुआ आयरन वायर से कनेक्टेड रहता है। इन तारों को लीडिंग वायर्स भी कहते हैं। इस डिटोनेटर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में एक नियोप्रीन प्लग होता है जो कि वाटर टाइट होता है। इन लीडिंग वायर्स का एक सिरा डिटोनेटर के बाहर रहता है और दूसरा सिरा डिटोनेटर के अंदर फ्यूज हेड से कनेक्टेड रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला संडे स्पेशल वीडियो अगले संडे को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook/MiningTechnical। टिल देन जय हिंद, जय भारत।